हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राधेश्याम कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग, औसत वेग और प्रारंभिक वेग क्या होता है, उसके बारे में और भी अगर टाइम रहा तो आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है औसत वेग। पिछले वीडियो में हमने वेग क्या होता है उसके बारे में अध्ययन किया था, आज हम पढ़ेंगे औसत वेग। देखिए, औसत वेग क्या होता है? अभिक्रिया का औसत वेग वो वेग है जिसमें अभिकारकों या उत्पादों की जो सांद्रता में परिवर्तन है और परिवर्तन में लगा समय का जो अनुपात होता है वही औसत वेग होता है। जैसे हम लिख सकते हैं औसत वेग, यानी वेग को अगर मैं वी से दर्शाऊं, या फिर आप लिख सकते हो आर ओ आर, या रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज, यानी कि औसत, इज इक्वल टू क्रिया कारक या अभिकारक, कुछ भी बोल सकते हो, क्रिया कारक या अभिकारक या फिर उत्पाद, दोनों उत्पाद और क्रिया की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा परिवर्तन में लगा समय, आगे लगा दो प्लस और माइनस। अगर माइनस है तो क्रियाकारक की सांद्रता होगी क्योंकि वो घटती है, माइनस लगता है, और प्लस होगी तो उत्पाद की सांद्रता होती है क्योंकि उसमें वृद्धि होती है, इसलिए प्लस का सिंबल लगता है। जैसे कि आपने कोई टाइम लिया T1 और उस पर आपकी सांद्रता है, ले रहे हम क्रियाकारकों की, वो है C1, और कोई टाइम आपने T2 लिया उस पर आपने देखा कि क्रियाकारकों की सांद्रता C2 थी, तो जो ROR एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। यानी कि जो, जैसे कि अपना जो ग्राफ था आपने देखा था टी में और कंसंट्रेशन में हमने ग्राफ बनाया था अभिकारकों के लिए, तो वो इस प्रकार से आया था घटता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई टाइम T1 है और यहाँ पर कोई टाइम T2 है। ठीक है, तो यहाँ पर T1 है तो यहाँ C1 और ये हो जाएगा C2। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा कि जो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम क्या हो जाएगी इसमें, ये देखो टाइम का तो हो गया, अंतिम माइनस प्रारंभिक घटा दिया हमने, और सांद्रता में देखो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। तो अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 10-15 ऐसे ऐसे बढ़ेगी सांद्रता, तो इसके लिए अंतिम कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो C2 क्या है अंतिम है, तो C2 माइनस C1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अगर आप अभिकारक के लिए ले रहे हो तो माइनस लगाना है, उत्पाद के लिए ले रहे हो तो प्लस लगाना है, इसलिए मैंने सिंबल लिख दिया माइनस प्लस दोनों। तो ये होता है औसत वेग डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। तो ये था औसत वेग। फिर बात आती है तात्क्षणिक वेग पे, तो देखते रहो आगे वीडियो को। इसके बाद बात आती है तात्क्षणिक वेग, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग समझ गए, कुछ नहीं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी करने पर जो वेग आएगा वो ही अपना औसत वेग है। कुल मिला के सब सेम चीज है, बस वेग ही है, लेकिन अलग अलग पदों में इसको व्यक्त करने का एक तरीका होता है, तात्क्षणिक है, औसत है, अलग अलग। ठीक है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है कि निश्चित समय क्षण पर जो अभिक्रिया का वेग होता है उसको तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। जैसे कि आप आपकी कोई अभिक्रिया हो रही है ए से बी, ठीक है, उस अभिक्रिया का वेग है वो निश्चित समय क्षण पर, यानी कि आपको पूछ ले कि टी बराबर 5 सेकंड पर उसका वेग क्या होगा, निश्चित समय पर पूछा कि 5 सेकंड पर क्या वेग होगा, 6 पर क्या होगा, 7 पर क्या होगा, तो वो जो वेग होता है वो क्या होता है, तत्क्षणिक वेग होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होती है। उसको हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, आर ओ आर जो होती है, इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक बोल सकते हो आप, हिंदी में तात्क्षणिक, इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस, तो वो क्या होती है, होती तो डीसी बाई, मतलब कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी है, लेकिन यहाँ पर एक मैथ्स की आपको लगा देना है, कुछ रूल लगा देना, इसके अंदर क्या होता है, निश्चित समय से पर निकालनी है, तो इसको आप क्या करोगे, लिमिट लगा लोगे डेल्टा टेंस टू जीरो, लिमिट लगेगी डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तब आपका जो ये है वो इस प्रकार से बन जाएगा, ये जो डेल दिख रहा है आपको, डेल्टा सी दिख रहा है, इस डेल्टा को अति सूक्ष्म कर देगा, जब लिमिट लगेगी अति सूक्ष्म हो जाएगा, यानी कि डी सी बाई डी टी हो जाएगा। तो ये जो अपनी रेट आएगी वो क्या होगी, तात्क्षणिक रेट, तात्क्षणिक वेग, ये जो अभिक्रिया का वेग होगा वो क्या होगा, तात्क्षणिक वेग, समझ गए तात्क्षणिक वेग क्या है। जैसे कि आपको किसी ने बोला कि भाई जो अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया हो रही है ए से बी जो भी है, उसका जो सांद्रता में परिवर्तन और समय के बीच संबंध दिया आपको, माना 3t² + 5t, ये वाला संबंध दिया आपको,
चलो एक क्वेश्चन देख रहा, क्वेश्चन है ये अच्छा सा बनेगा। तो देखो आपको कहा है भाई कोई अभिक्रिया ए से बी में कन्वर्ट हो रही है या फिर ए से प्रोडक्ट बना रही है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन हो रहा है या फिर बोल सकते हो उस अभिक्रिया में जो भी अभिकारक यूज हुए हैं उसकी जो सांद्रता और टाइम है, सांद्रता और टाइम के बीच ये समीकरण है, सांद्रता और समय को इस समीकरण से व्यक्त किया जाता है। तो वो पूछ सकता है आपको कि टी बराबर 2 सेकंड पर अभिक्रिया की सांद्रता क्या होगी, ठीक है, सारी अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो देखो सी बराबर हम निकालेंगे निश्चित समय क्षण पर पूछा है तो डीसी बाई डी टी करेंगे, तो इसका डीसी बाई डी टी, इधर भी डीसी, इधर भी डी बाई डी टी करेंगे, इधर भी डी बाई डी टी, इधर भी डी बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ये 3 बार आ जाएगा, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t प्लस इसका हो जाएगा 5, यानी कि इसका अवकलन हो जाएगा 6t प्लस 5। अब यहाँ पर क्या पूछा अपन को, t बराबर 2 सेकंड, तो 6 का जगह 2 रखो तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 5 इजिकल टू 17, ठीक है, कितना आ जाएगा 17। तो जो अपना 17 है वो क्या है dc by dt, यानी कि जो dc by dt की जो वैल्यू आई वो है ये 17। इसका मतलब t बराबर 2 सेकंड पर 17 है वो उसका वेग हो जाएगा, ठीक है, dc by dt क्या होता है तासनिक वेग ही होता है, तो उसका वेग कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कब, जब t बराबर 2 सेकंड हो, अब 0 हो तो t की जगह 0 रखो, इसका मतलब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा अवकलन करके इसके आंसर निकल जाते, तो ये जो होती है वो होती है तासनिक वेग। आपको सिंपल नॉर्मल बोर्ड के अंदर इतना नहीं पूछता है, परिभाषा पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे, आपको परिभाषा याद रखनी है। उसके बाद बात आती है प्रारंभिक वेग, तो जो प्रारंभिक वेग होता है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस कि जो प्रारंभिक वेग क्या होता है कि जो टी बराबर जीरो लें, अगर हम टी बराबर जीरो कर दें, टी बराबर जीरो पर जो वेग होगा अभिक्रिया का वो क्या होता है प्रारंभिक वेग। बस इतना ही याद रखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभिक समय अर्थात टी बराबर जीरो पर जो अभिक्रिया का वेग होता है उसको हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए वेग क्या हो जाएगा आर ओ आर इजिकल टू हो जाएगा सी नॉट बाई टी नॉट, प्रारंभिक समय बटा प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद आता है इंपोर्टेंट्स, ये तो कुछ नहीं, वेग को अलग अलग पदों में लिखना था और इस कुछ ज़्यादा नहीं था, इसमें कुछ हार्ड नहीं था। और अब बात आती है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और आर ओ आर में संबंध क्या होता है, ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं अभी। देखो आर ओ आर और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, यहाँ पर जो ये रिएक्शन दिख रही है आपको, यहाँ पर जो स्मॉल वर्ड वाला दिख रही है आपको वो क्या है कोफिशियंट गुणांक, यानी कि एक एक कितने मोल लिए हमने 5 6 जो यहाँ लिख, देखो कोई भी अभिक्रिया में आप देखते होंगे कि 5H2O+6HCl, जो ये 5 और 6 ये होते हैं ये इसकी जगह हमने ए बी सी और डी लिख दिए, यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आर ओ आर और इन स्टोइकोमेट्रिक के बीच क्या संबंध होता है वो अब हम देखेंगे। तो देखो आर ओ आर को हम इस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले देखो ए है तो ए की कंसंट्रेशन में परिवर्तन बाई परिवर्तन बट्टा परिवर्तन में लगा समय। अब देखो इसका कोफिशिएंट गुणांक कितना है ए, तो इसको हम क्या करेंगे 1/a, यानी कि इसके भाग में लगाएंगे, जो डी ए है उसके भाग में लगाएंगे, यानी कि 1/a लिखेंगे। अब देखो ये अभिकारक है तो माइनस का सिंबल आएगा। अब देखो ये रेट किसके बराबर होगी भाई, देखो यहाँ से ए के जो विलुप्त होने की दर है वो सी के बनने की दर के भी बराबर होगी, बी के विलुप्त होने की दर है तो डी के बनने की दर बराबर होगी, ये जितना विलुप्त होगा उतना ये भी विलुप्त होगा, ठीक है, तो यहाँ पर सब बराबर होगी रेट। आपको इस प्रकार से लिखना है कि यहाँ पर देखो बी कोएफिशिएंट है और अभिकारक है तो सांद्रता घटेगी, तो 1/b करना है, फिर आपको जो ये बी है उसकी सांद्रता में परिवर्तन यानी डीपी बाई डीटी कर देना है, फिर बराबर लगाओ, फिर यहाँ पर आ जाते हैं उत्पाद, तो प्लस होगी इसकी, तो प्लस 1/c कोएफिशिएंट गुणांक, और यहाँ पर देखो सी की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय बराबर डी है कोएफिशिएंट गुणांक, तो प्लस 1/d और डी डी अपॉन डी टी, क्या दिख रहा है आपको उधर सबसे कॉर्नर में दिख रहा है जी, बिल्कुल आज पूरा दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे आर ओ आर लिखेंगे। अब जो आर ओ आर को हमने क्यों लिखा है इसे, मतलब किस प्रकार लिखना है देख लो, कोई भी रिएक्शन दे रखी हो तो उसके जो उत्पाद और अभिकारक जो है उसकी सबकी रेट को बराबर लिखा जाता है,
और जो अभिकारक होते हैं उसके आगे माइनस लगता है और उत्पाद के आगे प्लस लगता है, ये तो मैंने पहले बात बता दी है। और जो कोफिशिएंट गुणांक है वो सब भाग में चले जाते हैं, ठीक है। ये क्यों जाते हैं भाग में? क्योंकि जो अभिक्रिया होता है उसकी संतुलन के लिए ये भाग में जाता है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता, ये कोफिशिएंट गुणांक 1 होता तो यहाँ कुछ नहीं आता, सीधा आ जाता डी बाई डी टी। लेकिन यहाँ कोफिशिएंट गुणांक आने के कारण अब इन दोनों जब हम बराबर करेंगे, अगर 1 1 है तो ठीक है बराबर हो जाएगी, लेकिन इसका कोफिशिएंट गुणांक 4 है, अगर इसका 2 है, तो इनको संतुलन करने के लिए ये क्या होता है भाग में चले जाते हैं, जिससे कि सब जो रिएक्शन है पूरी संतुलित रहे और ये आर ओ आर सारा संतुलित रहे। तो ये होता है इसके बीच संबंध। यहाँ से बहुत अच्छा सवाल उठ सकता है, बोर्ड आपको यहाँ से सवाल दे सकते हैं। जैसे कि माना कोई भी रिएक्शन आपको दी, जैसे कि कौन सी रिएक्शन लें, कोई भी मान लो, जैसे कि H2+I2 माना, 2HI बना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अब यहाँ पर जो H2 है, H2 उसके बनने की दर क्या होगी, H2 के बनने की दर, अरे सॉरी विलुप्त होने की दर, सॉरी क्या हो रहा है, विलुप्त होने की दर, H2 के विलुप्त होने की जो दर है वो क्या हो जाएगी, -DH2/dt, यानी कि H2 के कंसंट्रेशन में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। यहाँ पर कोफिशिएंट गुणांक 1 है, तो यहाँ 1/1 करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, माइनस, क्योंकि अभिकारक है, DI2 इसकी कंसंट्रेशन में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय बराबर। यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर देखो कोफिशिएंट गुणांक 2 आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस के साथ 1/2 लगेगा, और इसकी सांद्रता जो है HI, इसकी सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, ये हो जाएगा। तो H2 के विलुप्त होने की दर है वो इस प्रकार आ जाएगी, और I2 के भी विलुप्त होने की दर आ गई ये वाली, और ये क्या है HI के बनने की दर। देखो जो उत्पाद होता है उसकी हमेशा ली जाती है बनने की दर, और जो अभिकारक होता है उसकी ली जाती है विलुप्त होने की दर, ये आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ आज का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका टॉपिक आता है प्रारंभिक वेग भी हमने पढ़ लिया, अब आता है वेग नियम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में अगर कोई भी बात समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बता देना, कुछ नहीं था एक सिंपल सा टॉपिक था, और ये वाला आप स्टोइकोमेट्रिक संबंध बिल्कुल अच्छे से माइंड में रखना, कहीं ना कहीं बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा। क्या होता है कोफिशिएंट गुणांक है वो इसके बट्टा में, यानी कि 1/1 करके लिख देना है आपको उसके साथ, और ये क्या है वेग का फॉर्मूला है, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।